जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और दोस्तों, आज बात करेंगे जो सीआईएसएफ में ड्राइवर के नए पदों का सृजन हुआ है और ये भर्ती आई है तो बहुत ही खुशी की खबर है। जो लोग ड्राइविंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो वो अपना जो है, जिनके पास में मतलब हैवी लाइसेंस है, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। और आपका इसमें समझिए कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो सिलेक्शन एकदम निश्चित है। ज़्यादा इसका पेपर भी हार्ड नहीं होता, इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है, तो इसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। और बहुत ही बढ़िया नौकरी है जो हम तो वहाँ रह के आए हैं, तो हमको जानकारी है ड्राइवर की नौकरी एकदम सेफ नौकरी है और बहुत बढ़िया नौकरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को सब तक पहुंचा दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो इस सीआईएसएफ की ड्राइवर की भर्ती 2023 की रिक्रूटमेंट है। पोस्ट हैं 451, टोटल पोस्ट कितनी है 451। ड्राइवर की बात करें, जो खाली ड्राइविंग है, जो ड्राइवर है, खाली 183 पोस्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करें ड्राइवर कम टाइप, ये अपने पंप ऑपरेटर, मतलब पंप पे जो क्या पेट्रोल का काम करते हैं, तो पंप ऑपरेटर और ड्राइवर दोनों काम करेंगे, 268 पोस्ट। ठीक है, तो ड्राइवर की 183 और पंप ऑपरेटर प्लस ड्राइवर 268, तो टोटल 451 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद योग्यता देख लेंगे, खाली 10वीं पास, परंतु इसके साथ में क्या चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल HMV, मतलब ये आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और 3 साल का अनुभव चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये जिसके पास है उनके लिए एकदम सुनहरा अवसर है, आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार। अब देखो एज क्राइटेरिया देख लेंगे, 21 से 27 साल। ठीक है, एज कितनी चाहिए, 21 से 27 साल। ठीक है, फार्म कब से पड़ेंगे, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फार्म पड़ेंगे। और आयु की गणना जो की जाएगी वो 22 फरवरी से की जाएगी। ठीक है, 22 फरवरी तक आपकी 27 साल पूरी ना हो और इधर जो है 21 साल से ऊपर हो। ठीक है, एज काउंट होगी 22 फरवरी 2023 से। ठीक है, अब देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा PHT। PHT मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद PET आपका जो है फिजिकल होगा। ठीक है, इसके बाद होगी आपकी ट्रेड टेस्ट, आपका जो ड्राइविंग का है उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसका भी हम बना दिए हैं चार्ट, पूरा दिखा देंगे। इसके बाद में होगा रिटर्न एग्ज़ाम और फिर होगा मेडिकल। चार प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम, मेडिकल। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो जो है आपके रिटर्न बेस पर बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग का जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपसे जो है लोकल मोटर व्हीकल पहले चलवाया जाएगा, मतलब जैसे मारुति और मोटरसाइकिल, तो ये 50 नंबर इसके रखे जाएंगे। 50 नंबर में आपको जो है 25 लाने अनिवार्य हैं, 50%, मतलब आपको पास होने के लिए 50% चाहिए, तो 50 में 25। फिर हैवी मतलब HMV चलवाई जाएगी, हैवी मतलब ट्रक बस ये चलवाई जाएंगी, तो इसमें आपको 50 नंबर का ये भी रहेगा, 25 यहाँ से भी लाने अनिवार्य हैं। इसके बाद जो है प्रैक्टिकल रिपेयरिंग भी कराई जाएगी आपकी, जैसे कि आपको चाबियों का ज्ञान होना चाहिए, छोटे मोटे बुल्ट खोलने आने चाहिए, इस प्रकार से 30 नंबर का ये भी रहेगा, इसमें 15 लाने अनिवार्य हैं, तो टोटल 130 नंबर हो गए और लाने 65 अनिवार्य हैं। 50% पे पास हैं। ठीक है, 65 नंबर लाने हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये आप पास कर जाएंगे, इसके बाद में जो है होगा ये फाइनल मेरिट, मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटर्न के आधार पर बनेगी। इसमें देखो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पर ये इसके बाद होगा रिटर्न। अब देखो क्या क्या पूछे जाएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन और GK GS के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, अभी इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों बहुत सुनहरा अवसर है और हम तो वहाँ देखे इन लोगों की एकदम जॉब एकदम बढ़िया, CISF में तो और भी बढ़िया है, हम तो SSB में थे परंतु CISF में तो और भी अच्छी जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने मतलब वीडियो में बने रहें आप और पूरी वीडियो को वॉच किया करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें। और जो नए लोग जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी महत्वपूर्ण अगर कोई जानकारी आएगी उसको भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।